आपको अब मैं बताता हूँ कि आइडेंटिफाई कैसे करना है, ठीक है। वो बहुत मेन चीज़ है कि आइडेंटिफाई कैसे करो, क्योंकि बहुत लोगों को ज़रूरत होती है लोन की, लेकिन लोन के लिए अब बैंक का प्रोसेसर बहुत लंबा होता है, और ये छोटी छोटी एप्लीकेशन होती हैं, ये आपको क्रेडिट लाइन देती है इमीडिएटली, ठीक है। आप अप्लाई करोगे, आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड अपलोड किया, ऑटोमेटिकली आपको पैसा आ जाता है बैंक अकाउंट में। हाई इंटरेस्ट होता है, लेकिन लोग जब पैसा लेते हैं तो वो ये सोचते नहीं है कि इंटरेस्ट कितना लगेगा या कुछ भी है, तो उनको इमीडिएट पैसा चाहिए क्योंकि उनकी नीड पूरी होनी है। तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है पता करना कि कौन कौन सी ऐप, कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ख़राब ऐप है कौन सी सही ऐप है। तो सबसे पहले तो जैसे आप मान लो इंस्टाग्राम पे आप फीड्स स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है, स्क्रॉल कर रहे हो, अचानक से आपको दिखता है कि हाँ इमीडिएट लोन ऐसा लिखा होगा बैनर में, और एक बहुत बड़ा सा अमाउंट लिखा होगा 25,000, एक ग्लिटरिंग कलर्स में एकदम चमकता हुआ दिखाएगा वो, और 0% इंटरेस्ट लिखा होगा उसमें या 1% इंटरेस्ट लिखा होगा। तो समझ जाओ ऐसा कोई भी लोन पार्टनर नहीं है, ऐसा कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है जो आपको 1% पर लोन दे रहा है, ठीक है, 1% इंटरेस्ट पर लोन दे रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। या 0% इंटरेस्ट लिखा है तो मतलब वो तो समझ लो फेक ही है, ठीक है। और अगर लिखा हुआ है कि नो डॉक्यूमेंटेशन, नो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, नो वीडियो KYC, नो डॉक्यूमेंट सबमिशन, नो पे स्लिप, ऐसा कुछ लिखा होगा तो वो भी फेक ही है, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो आपको लोन दे रहा है ऑब्वियसली वो आपकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन रखेगा, अपने पास कोलैटरल रखेगा, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रखेगा। तो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो भी आप समझ जाओ कि वो फेक है। उसके अलावा अगर मान लो बाई चांस आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली, तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद उस एप्लीकेशन में अगर आपको दिख रहा है कि वो सीधे आपको मोबाइल नंबर पूछ रहा है और OTP पूछ रहा है, और एक बटन आ रहा है सिर्फ, पर होती है कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करी या किसी आपने बटन पे क्लिक किया जो आपको लग रहा है थोड़ा सस्पिशियस, और अगर आपके फ़ोन में कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी होती है, कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों से मैंने पता किया, कुछ लोगों ने बताया मुझे इसका फीडबैक, कि अचानक से मेरा फ़ोन की जो ब्राइटनेस है एकदम ज़ीरो हो गई और फिर वापस सही हो गया वो फ़ोन, तो वो भी एक प्रोसेस होती है डेटा फेच करने के लिए, ठीक है। वो बैकएंड में आपका डेटा सब मैनिपुलेट होके आपके उनके सिस्टम पे जाता है, तो यहाँ पे भी समझ जाओ आपकी ये चीज़ फ्रॉड है, ठीक है। सेकेंडली, अगर बाय चांस आपने इंस्टॉल भी कर ली, ठीक है, पहला मैंने बताया आपको कि आप इंस्टॉल करने से पहले कैसे समझोगे, अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो तो कैसे समझोगे वो मैंने आपको बता दिया। अभी बाय चांस अगर आपने इंस्टॉल भी कर लिया, पैसा ले भी लिया, तो पेमेंट आपको करने को बोलेंगे वो लोग, ठीक है। तो पेमेंट करने के लिए ये लोग आपको कभी भी बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं पूछेंगे, ये आपको बोलेंगे कि आप UPI पे ट्रांसफ़र करो, ठीक है। चलो आप लोग बोलोगे कि भाई UPI भी होता है पेमेंट का वे, ठीक है, मान लिया, लेकिन किसी बैंक का, अगर आप ICICI बैंक का मानते हो कि ICICI बैंक का आपको पेमेंट करनी है लोन की या कुछ भी करना है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट करनी है UPI से करोगे, तो ICICI बैंक का एक फिक्स्ड, एक स्पेसिफिक UPI ID होगा, ठीक है, या एक अकाउंट नंबर होगा। ये लोगों के अगर आप इस एप्लीकेशन में देखोगे तो यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक UPI ID नहीं होगी। जो UPI ID ये लोग देंगे पेमेंट करने के लिए वो होगी किसकी, वो होगी एक अलग आदमी की, एक नॉर्मल से इंसान की, हमारे आपके जैसे लोगों की, कैसी किसी एक आदमी की ऐसे UPI ID होगी जिसमें लिखा होगा अमित शर्मा @SDFC या कुछ भी, श्लोक शर्मा या ये नाम वर्मा ये वो, तो ये नाम से होंगे, या फिर हैंडीक्राफ्ट्स या किसी बिजनेस का नाम होगा। तो अगर कोई लेजिट एप्लीकेशन है, कोई एप्लीकेशन ऐसी है जो किसी बैंक की है प्रॉपर या किसी एप्लीकेशन की है, तो उस एप्लीकेशन का UPI ID होगा, ठीक है। सेकेंडली, उस एप्लीकेशन में इनका प्रॉपर एड्रेस, कहाँ पे इनकी कंपनी लोकेटेड है, वो होना चाहिए, वो नहीं होता फ्रॉड एप्लीकेशन में, वो नहीं होता, वो भी आप देख लो, ठीक है। और अब लास्ट में मैं आपको बताता हूँ एक और चीज़, लास्ट चीज़, कि ये लोग का तरीका क्या है, मैं आपको मतलब जितना मैं समझाऊँ वो कैसे तरीका काम करता है, ठीक है। इन्होंने जैसे आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग में बकेट, ठीक है, तो एक बकेट मतलब एक कस्टमर का पूरा डेटा, वो इन्होंने उठाया और वो उन्होंने सीधा बेच दिया किसी और एक आदमी को जो और आपको स्कैम करेगा, ठीक है। तो उसने आपको कॉल किया, कॉल करके आपको बोला कि भाई आपने 6-7 दिन पहले एक लोन लिया था 5,000 का, अब आपको लौटाना है, आप लौटाओ, ठीक है, ये लोग आपको ब्लैकमेल करेंगे। तो आपने क्या किया, एक एक्स आदमी ने, मान लो कि एक्स आदमी है जिसको ये ब्लैकमेल कर रहे हैं फर्स्ट में, उस एक्स आदमी ने सीधा पैसा उठा के 5,000 इनके UPI में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। अब ये लोग उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे कुछ दिन तक। अब ये जो ट्रांसफ़र किया है उन्होंने पैसा, जो आपको बताया मैंने कि UPI ID होती है किसी एक आदमी की,
तो वो जो यूपीआई आईडी वो लोग देंगे वो अपनी खुद की नहीं देंगे, वो यूपीआई आईडी देंगे ये लोग एक वाई आदमी की, ठीक है, एक वाई पर्सन है उसकी देंगे। वो जो 5,000 रुपये उसने भेजे थे वो गए वाई के पास। अब 7 दिन के बाद वो उस वाई आदमी को ब्लैकमेल करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे कि भाई आपने 5,000 रुपये लिए थे, अब आप इसे लौटाओ, ठीक है। अब वाई आदमी को ब्लैकमेल किया, उससे बोला कि 5,000 लिए थे, अब आपको 15,000 वापस करने हैं। उसने 15 वापस किए, तो वो सी के पास गया, जेड के पास गया, ऐसा चलता रहता है। जब वो अमाउंट एक बड़ा अमाउंट हो जाता है, मतलब 1 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख, 6 लाख, तो वो लास्ट में उस आदमी को सबसे ज़्यादा हरास करते हैं, सबसे ज़्यादा हाई लेवल पे, ताकि वो पैसा दे। अब किसी का अगर वो किसी को बोल रहे हैं कि भाई तुमने तुम्हारा जो अमाउंट है वो 1 लाख, 2 लाख हो गया है, लेकिन हम आपका अकाउंट क्लोज कर देंगे, आप हमें सिर्फ 50,000 ट्रांसफ़र कर दो, तो लोग सोचते हैं कि ठीक है भाई, अगर ऐसा हो रहा है और मेरी इज्जत बच रही है अपने रिलेटिव के सामने, अपने दोस्तों के सामने, तो मैं पे कर देता हूँ और छोड़ता हूँ। तो वो क्या करता है, 50,000 दे दिया। अब वो जो 50,000 है वो उनकी रियल फ्रॉड इनकम हो गई, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है। अच्छा, अगर बाई चांस आपका स्कैम ऐसा हो चुका है तो उससे बचाने के लिए क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगा एक एंड सेक्शन में इस वीडियो के, तो वो आप ध्यान से समझना। वो मैंने एंड में इसलिए रखा है ताकि आप पूरा वीडियो देखो, क्योंकि पूरा वीडियो ही इन्फॉर्मेशन है, ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है जो मैंने इस फ्रॉड लोन एप्लीकेशन के बारे में कुछ अलग बोला है, कुछ उससे हट के कुछ बोला, सब मैंने एक एक चीज़ यहाँ पे बताई है। तो इसको कैसे कंप्लेंट करना है, ठीक है, कैसे इसे मतलब बचें आप लोग, उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको एंड सेक्शन में। तो गाइस हम आ गए हैं लास्ट सेक्शन में, जहाँ पे कैसे रिपोर्ट करना है इसको मैं बताऊँगा। तो सबसे पहली बात, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैसा मत भेजिए, ठीक है। अगर ऐसा कुछ वल्गर रिप्लाई आपको आ रहे हैं या आपको हरास कर रहे हैं तो कुछ मत कीजिए। सबसे पहले अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं, क्लोज रिलेटिव्स, उनको बताइए कि ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ है या कुछ भी है, अदरवाइज़ उनके पास मैसेज जाएंगे, उनके पास कॉल्स जाएंगी, और वो लोग फिर आपको कॉल करेंगे और आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो एक उस सिचुएशन में उस आदमी को भी हैंडल करना और प्लस अपने रिलेटिव्स को भी समझाना, वो थोड़ा हार्ड होता है। तो सबसे पहले अपने दोस्तों को, सबको एक मैसेज फॉरवर्ड करो कि ऐसा ऐसा स्कैम हो रखा है, या फिर आप अपने आप स्टेटस लगा लो, व्हाट्सअप स्टेटस, और अपनी जो क्या कहते हैं प्रोफाइल पे क्या स्टेटस है उसमें भी आप ये सब डाल सकते हो कि हाँ मेरे साथ स्कैम हुआ है, ये एप्लीकेशन है, ऐसा कुछ बना के डाल सकते हो। पहली चीज़ ये हो गई नोटिफिकेशन कि आपके जितने भी रिलेटिव हैं वो सब समझ जाएँ और वो भी सतर्क हो जाएँ कि ऐसी कुछ कॉल आएगी तो हमें रिस्पॉन्ड नहीं करना है, या फिर ऐसी कोई कॉल हमने रिस्पॉन्ड कर दी तो उसको जवाब नहीं देना है या उसको भी गाली वाली देके भगा देना है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। सेकंडली, अब आपको इससे मतलब कैसे बचें या क्या करें, तो नेक्स्ट स्टेप आपको होगा कि आपको सबसे पहले जाना है cybercrime.government.in। मैंने यहाँ पर लिंक दे दिया है उस वेबसाइट का, तो इस वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर आपको एक ऑनलाइन आपकी कंप्लेंट फाइल करनी है। तो जब तक आपके पास वो ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर नहीं आएगा तब तक आप उसकी फ़िज़िकल FIR नहीं कर सकते, जैसा मुझे पता लगा है रिसर्च के बाद। तो पहले सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप जाइए cybercrime.government.in.gov.in, वहाँ जाके कंप्लेंट फाइल करो। वहाँ पे सब डिटेल्स आती हैं कि आपने क्या मोड था ट्रांजैक्शन का, कितना अमाउंट था, कौन सी UPI ID पे था, कौन सा बैंक इसमें फंक्शन हुआ था, क्या चीज़ क्या हुई, सब कुछ इन्फॉर्मेशन विद स्क्रीनशॉट भी अपलोड कर सकते हो और आप लिख के भी अपलोड कर सकते हो वहाँ पर, मतलब आपने पेज पे लिख दिया और उसको स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कर दिया, ठीक है। तो एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा आपका, उस एप्लीकेशन नंबर को लेके आप अपने नियरेस्ट जो साइबर क्राइम ऑफिस होगा वहाँ पे जाओ, ठीक है, उनसे आप बोलो कि ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ है, जैसा भी हुआ है, तो उनका समझाओ। अपने साथ जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपने कौन कौन से बैंक से ट्रांजेक्शन किए, वो सब बैंक के स्टेटमेंट्स, ठीक है, जो उनके आपके हरासमेंट के आपके पास व्हाट्सएप में मैसेज आए हैं उनके स्क्रीनशॉट लेके रखो, डेट टाइम के साथ, वो भी आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर उसके प्रिंटआउट लेके जाइए वहाँ पे। और जो ट्रांजैक्शंस आपने किए हैं, अब आपके अकाउंट में कुछ पैसा हो सकता है आया भी हो बाय मिस्टेक, जो मैंने आपको बताया था XYZ वाला, तो उस हिसाब से आपके पास पैसा आया भी हो तो उसको भी हाईलाइटर से हाईलाइट कर दो, ठीक है। और जो ट्रांजेक्शन आपने किए हैं, जो आपने पैसा भेजा है वो भी हाईलाइट कर दो, कौन कौन सी UPI ID में आपने पैसा भेजा है उसको भी आप नोट डाउन करके वो हाईलाइट कर दो स्टेटमेंट में। और वहाँ पे आप जाओगे तो वो आपकी एक ऑनलाइन आपको एक फॉर्म देंगे, एक फॉर्मेट देंगे कैसे आपको एप्लीकेशन लिखनी है टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और पूरा सब्जेक्ट और सब कुछ आपको बताएंगे। तो आप एप्लीकेशन लिखो, एप्लीकेशन लिखने के बाद उस पर आपकी कार्यवाही स्टार्ट होगी, ठीक है, प्रोसेस स्टार्ट होगा,
और जब भी उनको मतलब जो भी आपको बंदा अलॉट होगा पुलिस में, वो आपको जब भी बुलाएगा कुछ भी क्लैरिफिकेशन दो, तो आप जाओ और अपना इन्फॉर्मेशन दो, जो भी आपको पता है, जो भी नहीं पता है वो बता दो कि हमें नहीं पता ये कैसे हुआ, जो भी है क्लियर बता देना। उससे होगा क्या कि चांसेस हैं बहुत, मतलब अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि 100% चांस है कि पैसा वापस आ जाएगा, बट बहुत कम चांसेस है कि पैसा वापस आएगा। लेकिन अब आपका नुकसान हो गया 1,00,000 रुपये का या 1,50,000 रुपये का, उसमें से अगर आपको 50,000 भी वापस आ रहा है या 20,000 भी वापस आ रहा है, तो आपके लिए तो वो थोड़ा बहुत मतलब वो हो जाएगा ना कि भाई थोड़ा पैसा वापस आ गया। हो सकता है पैसा ना भी वापस आए, लेकिन कंप्लेन करना ज़रूरी है, क्योंकि कल को कोई आदमी आपके आपको बोलता है कि भाई तुमने मुझसे लोन लिया था, पैसा वापस नहीं किया, तो आप बोल सकते हो कि देख मैंने भाई FIR कर रखी है और ये सब फ्रॉड एप्लीकेशन है, ये सब तुम बंद करो। तो एक ऑब्वियसली अगर आप गलत नहीं हो तो आपने इसलिए FIR की है क्योंकि आप गलत नहीं हो, ठीक है, तो वो प्रूफ के लिए आपके पास वो चीज़ है। तो गाइस ये है पूरा प्रोसीजर, कैसे आपको हैंडल करना है, कैसे आपको कंप्लेंट करनी है, कंप्लेंट करने के बाद वेट करना है, और जितने ज़्यादा लोग हो सकें उन तक आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाओ कि ऐसा मेरे साथ हुआ था, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग एजुकेट होंगे इसके रिगार्डिंग उतना ज़्यादा ये फ्रॉड जो है कम होता जाएगा, लोग इस पर बिलीव नहीं करेंगे और बच जाएंगे। और मेरा भी ये वीडियो आप जितने ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाओगे उतना उनके लिए बेनिफिट है, आपके लिए बेनिफिट है, और मुझे थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। और दूसरी बात, अगर आपको कुछ डाउट है कोई भी इस पूरी प्रोसेस से लेके, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। जितने भी कमेंट मेरे पास आते हैं मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, इमीडिएट रिप्लाई करता हूँ। अगर नहीं पता होता तो मैं तुरंत बोलता हूँ कि नहीं पता, मैं बाद में आपको रिप्लाई करूँगा, लेकिन रिप्लाई एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है, वो मैं करता हूँ हर कमेंट में, ठीक है। तो ये था पूरा मेरा एक वीडियो इसके रिगार्डिंग जो फ्रॉड लोन्स हैं। उसके अलावा जो मैंने एप्लीकेशन के नाम लिए, अगर उसके अलावा कुछ और एप्लीकेशन नाम होंगे तो वो भी मैं आपको डाल दूंगा इस वीडियो में, स्क्रीनशॉट्स में या इसके डिस्क्रिप्शन में। तो होपफुली मैं मुझे लगता है कि मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी आप लोगों को, और ऐसा कुछ भी अगर आप लोगों के साथ हो रहा है तो प्लीज़ मुझे भी बताओ, मैं आपकी हेल्प करूँगा। और आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी मुझे पिंग कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा, क्योंकि मुझे पूरी प्रोसेस इसके बारे में पूरा नॉलेज है कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो आशा है आपको पसंद आई होगी वीडियो, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बने रहो हमारे साथ। ये थोड़ी इंटेंस वीडियो हो गई, थोड़ी टेंस वीडियो है, थोड़े हैवी मैटर पे थी, क्योंकि बहुत चीज़ चल रही हैं, इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं, अगर हो सके तो मैं वो भी कवर करूँगा। और दूसरी बात, मैं फाइनल में आपको बोलना चाहता हूँ, मैंने अपना वीडियो क्लोज़ कर दिया लेकिन मुझे एक चीज़ याद आ गई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपके फ़ोन में कोई आपको मैसेज करता है कि व्हाट्सएप पे या नॉर्मल मैसेज में कि आपने एक ऐप से लोन लिया था और आपको पैसा देना है, और अगर वो आपको बोलता है कि मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, उस ऐप को इंस्टॉल करो और चेक कर लो कि आपके पास आपने लोन लिया था या नहीं लिया था, तो वो इंस्टॉल मत करना। अगर वो आप इंस्टॉल करोगे तो उसके बहुत सारे चीज़ें हैं, या तो इंस्टॉल करने के बाद आपका फ़ोन का डेटा उसके पास पहुँच जाएगा सीधा, पूरा फॉर्म, पूरा आपका फ़ोन जो है पूरा उसके पास पहुँच जाएगा, ठीक है। सेकेंडली क्या होगा कि उस ऐप को इंस्टॉल करने के अलग अलग ऐप, अलग अलग फेक एप्लीकेशन के अलग अलग एल्गोरिथम है। तो कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिसमें आप एक ऐप इंस्टॉल करोगे लेकिन उसके साथ में आपके फ़ोन में 100 एप्लीकेशन और इंस्टॉल हो जाएंगी, तो वो भी आपको फिर हरास करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इन सब से बचो और मस्त रहो और इन्जॉय करो हमारी वीडियोस, हम लोगों को सब्सक्राइब करो। और मैं देख रहा हूँ यार, आप लोग देख रहे हो वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, मुझे व्यूज़ मिल रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स नहीं मिल रहे, तो प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब माई चैनल, और मिलते रहेंगे अब वीडियो में। और बहुत जल्द और नई नई वीडियोज़ आ रही हैं, और जो ये डिले हुआ है उसके लिए सॉरी, अब ट्राई करूँगा मैं कि रेगुलर वीडियोज़ आएँ, क्योंकि पहले हमारा वर्क फ्रॉम होम था तो हमारा काम मतलब थोड़ा इजी था कि काम भी कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। अब थोड़ा वर्क फ्रॉम ऑफिस जाना, मतलब वर्क फ्रॉम ऑफिस शुरू हो चुका है तो उस हिसाब से टाइम निकालना पड़ता है, तो ट्राई करेंगे निकालने का। चलो बाय।